أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। इसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बास नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है। हमने मूसा को किताब दी और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। आए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ सवार कर दिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। सूरह इसरा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3, पारा नंबर 15। मोहतरम सामीन, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इसरा, इसे बनी इसराइल भी कहा जाता है, इसका आगाज हुआ। इस सूरह में जो चीज़ इब्तिदा के अंदर बयान की गई वो क़यादत की तब्दीली है, इसलिए कि जब से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों यानि बनी इसराइल के हाथ में हुकूमत, नबूवत, रिसालत सब दी गई, अब ये सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म हो रहा था। यानि अब क़यादत बनी इसराइल से बनी इस्माइल यानि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत मुहम्मदिया के हवाले की जा रही थी। यही इस सूरे का बुनियादी मकसद है, इसीलिए इसको इसरा भी कहते हैं और बनी इसराइल भी। यानी अब बनी इसराइल से क़ियादत उम्मत मुहम्मदिया को दी जाएगी और उसका टर्निंग पॉइंट इसरा था, मेराज। इसरा और मेराज दो अलग अलग पार्ट है। इसरा अरबी जबान में कहते हैं रात में चलना, और मेराज चढ़ने को कहा जाता है। ये दो अलग अलग हिस्से हैं, दोनों एक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसरा कराया गया, यानि आपको रात में चलाया गया, और बैतुल मुकद्दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। मेराज की इब्तिदा बैतुल मुकद्दस से भी है, ना कि मस्जिद हराम से। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा इसरा है, और मस्जिद अक्सा से आसमान दुनिया तक जाना ये मेराज है, यानि चढ़ना है। इस वाक़े के ताल्लुक से एक बात बुनियादी तौर पर याद रखिएगा, ये मोजज़ा है, यानि इंसानी ताकत में ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि उस वक्त के एतबार से मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक का सफ़र तकरीबन 40 दिन लगता, 40 दिन जाने के लिए 40 आने के लिए। अब ये कैसे मुमकिन है कि रात के एक ही हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम गए, वापस आप मस्जिद हराम आ भी जाते हैं, आने के बाद आप इतना ही नहीं बल्कि वहां से आपने आसमान दुनिया की भी सैर की, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा किया। ये सरासर मोजज़ा है, और इन मोजज़ात से आम हालात जिंदगी के पर दलील नहीं पकड़ी जाएगी। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं। बुखारी की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसरा के लिए मस्जिद हराम से निकले तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। ये एक वाकया है। दूसरा वाकया, बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया किराम को पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की इमामत कराई, वहां पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और जब आप मेराज में जाते हैं तो छठे आसमान के पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। अब बताइए, वहां कब्र में भी है, मस्जिद अक्सा में भी हाजिरी दी, छठे आसमान के पर भी है। यही मोजेजा है, यानी जो आम इंसानी जिंदगी के अंदर मुमकिन नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि यह नबी की शान में गुस्ताखी है, नबी की शान में गुस्ताखी। क्यों? ये एजाज सिर्फ नबी को अता किया गया
कि वो कब्रों में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। अब बास बुजुर्गों के ताल्लुक से लोगों ने किताबों के अंदर लाकर वाकयात नकल कर दिए कि उनको जब दफन किया गया उनके शागिर्द ने जाकर ईंट हटाकर देखी तो वो हजरत अपनी कब्रों के अंदर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। यानी नाउस बिल्ला एक बुजुर्गों को नबी के बराबर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये गुस्ताखी है। ये एजाज सिर्फ अंबिया को हासिल है, किसी और को नहीं। बहरहाल ये इसरा और मेराज है। अब आइए इब्तिदा करते हैं इस वाक़े के ताल्लुक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी बहन, उनके मकान में तशरीफ़ फरमाते, वहाँ से आपको मस्जिद हराम लाया गया। मस्जिद हराम लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा शक्के कमर हुआ, शक्के सदर हुआ, यानि सीने मुबारक को चाक किया गया। 6 साल की उम्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ, यानी सीने को चाक करने के बाद दिल को बाहर निकाला गया, उसे धोकर वो हिस्सा जिसमें शैतानी वसाविस दाखिल होते हैं उन्हें बाहर किया गया। जमजम से धोने के बाद उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अपनी जगह पर फिट कर दिया गया, यानी आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई एक नहीं दो दो मरतबा। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ बात है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने कहते मुस्लिम की रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के पर मिखियत यानी धागे और सुई के निशान मौजूद थे। जैसा कि आमतौर से किसी का ऑपरेशन होता है वहां पर निशानात बाकी रहते हैं टाके के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के पर वो असरात मौजूद थे। तो दोबारा आपकी ओपन हार्ट सर्जरी भी शक्के सदर हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके दिल को निकाला, उसके बाद उसे जमजम से धुला, सोने की तश्त में इल्म और हिकमत भरा हुआ था उसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दाखिल कर दिया। और फिर वहां से बुराक, ये खच्चर और गधे की तरह एक जानवर है जिसके पर अंबिया सवारी किया करते थे, वो जानवर लाया गया। बुराक बर्क से बना है, बर्क यानी बिजली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मचल रहा था यानी मस्ती कर रहा था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझे पता नहीं आज तुझ पर कौन सवारी करने वाला है, आज तेरे ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करने वाले। चुनांचे उसके पसीने छूट गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत आपकी इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सवारी के पर सवार होते। आपने कहा कि उसकी रफ्तार का आलम यह था कि एक कदम यहां रखता दूसरा कदम जहां तक निगाह जा सकती थी वहां, इस कदर रफ्तार के साथ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल को ले जाकर बैतुल मुकद्दस पहुंचाता है। वहां तमाम अंबिया किराम को पेश किया गया, पेश करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की इमामत की। इसीलिए आपको सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया कहा जाता है, यानी तमाम नबियों के इमाम, उनकी इमामत करने वाले तमाम नबियों ने आपके इक्तिदा में नमाज अदा की। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान दुनिया पर ले जाया गया। आसमान दुनिया पर जाने के बाद दरवाजा आसमान का बंद था, यानी हर आसमान के पर अल्लाह ने दरवाजे बनाकर रखे हैं। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि आपके साथ कौन है, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस दरवाजे को ओपन किया गया, यानी वो दरवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खुला। आमतौर से हम भी देखिए कि अगर हमारे घर पर मेहमान आने वाला है तो ऐसा नहीं है कि हम दरवाजा खुला रखते हैं, बल्कि उसके एहतराम के लिए हम दरवाजा बंद रखते हैं। जैसे ही वह आवाज देता है उसके आवाज के पर उस दरवाजे को खोला जाता है, ये एहतराम है, इज्जत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत अता की गई। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद आपने देखा कि उनके दाहें तरफ रूहें थी और बाएं तरफ भी, दाहिनी तरफ वो देखा करते थे हंसने लगते मुस्कुराने लगते, बाएं तरफ देखते तो उनके चेहरे के पर नागवारी नाराजगी और फिक्रमंदी के आसार नुमाया होते। तो कहा कि उनके दाहिनी तरफ तमाम नेक लोगों की रूहें हैं जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जिनके देखने के बाद वो खुश हो जाते थे, और उनके बाएं तरफ काफिरों की, बदकिरदारों की रूहें थी, फासिकों की, और फिर उनको देखते तो वो फिक्रमंद हो जाया करते थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, सलाम पेश किया,
सलाम पेश करने के बाद आपको मुबारकबाद दी नबूवत के पर, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े दूसरे आसमान के पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की, सलाम किया, आपकी नबूवत के पर मुबारकबाद पेश की। तीसरे आसमान के पर दो अंबिया किराम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ये दोनों खालाजात भाई हैं, इन दोनों से मुलाकात हुई, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की, सलाम किया, मुबारकबाद पेश की। तीसरे आसमान के पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे आसमान के पर, तीसरे आसमान के पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में हजरत यहया और ईसा से नहीं बल्कि इन लोगों से दूसरे आसमान के पर मुलाकात हुई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी मुलाकात की, मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से कहा, अल्लाह ने उन्हें इतना हसीन और जमील बनाया है, कअन्नहु उतियहु शतरुल हुस्न, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती का आधा हिस्सा अता किया, यानी दो हिस्से किए, एक हिस्सा पूरी मखलूक के अंदर तकसीम किया और एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया, इतना हसीन और जमील अल्लाह ने उनको बनाया। उसके बाद चौथे आसमान के पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवे के पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हर किसी ने आपको सलाम किया, मुबारकबाद दी। छठे आसमान के पर जब आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जाने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। आपने कहा कि क्यों रोते हो? कहा कि मेरे बाद एक नौजवान जिसे नबी बनाया गया है, मेरी उम्मत के मुकाबले में उसके उम्मती कहीं ज्यादा होंगे और उसके उम्मती ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान भी फरमाई, असहाबे किराम से कहा, मुझे उम्मीद है, सूरह वाकया की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को नकल किया कि तुम जन्नत का 1/3 हिस्सा रहोगे। असहाबे किराम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे, बहुत बड़ी तादाद। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि तुम जन्नत का आधा रहोगे, यानी आधे जन्नती उम्मते मुहम्मदिया के होंगे और बकिया आधे जन्नती पूरी उम्मतों के दरमियान से पाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा एजाज है, लाखों अंबियाए किराम आए हैं, उनके उम्मती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तो शिर्क था ही नहीं, इसका मतलब सब जन्नती है। और उसके बाद आप देखिए शिर्क दाखिल हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद बहरहाल तौहीद के पर कायम थी, और जितने अहले तौहीद होंगे जिन्होंने शिर्क कुफ्र नहीं किया वो सब जन्नती है, यानी इतनी बड़ी तादाद, और उसमें ये एक तरफ होंगे आधे होंगे, और उसके मुकाबले में आधे उम्मते मुहम्मदिया होंगे जिनकी उम्र भी कम है, वक्त भी कम है, उन लोगों को हजार हजार साल की उम्र दी जाती थी, हमें उम्र भी कम दी गई, वक्त भी कम है, लेकिन अहले जन्नत में इंशाल्लाह हम सबसे ज्यादा होंगे, बहुत बड़ा एजाज। उसके बाद सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, मुबारकबाद पेश की। अब उसके बाद सिदरतुल मुंतहा था, सिदरा अरबी जबान में बैरी के दरख्तों को कहा जाता है, मुंतहा लास्ट, यानी अब इसके आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है, ये सीमा है, ये सरहद है, वहां उसके आगे कोई नहीं गया। हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह का रसूल, अगर मैं इसके आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। उसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा उनकी असली शक्ल में देखा, उनके 600 पर थे, अल्लाह की इतनी अजीम शान मखलूक। जब आपने पहली मरतबा देखा था हजरत जिब्राइल को सूरह मुद्दसिर के नुजूल के वक्त, तो वो पूरे उफुक को घेरे हुए थे, यानी पूरे आसमान को घेरे हुए थे, उनकी जसामत इतनी बड़ी थी, 600 पर थे, और अल्लाह अपनी इतनी अजीम शान मखलूक को जब चाहता था कि इंसान के सांचे में डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देता, ये अल्लाह की अजीम शान कुदरत है। बहरहाल उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीजें अता की गई, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, खवातीमु सूरतिल बकरा, सूरह बकरा की आखिर की दो आयतें, आमना रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून से फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन तक, ये पूरा ईमानियात का तस्किरा है, और इसे सोने के वक्त तो पढ़ने का भी हुक्म है, जब भी अपने बिस्तर के पर आओ तो इन दोनों आयतों को पढ़ लेना चाहिए। इसका तर्जुमा आप याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, पूरा ईमान का तस्किरा है,
कि रसूल ईमान लेकर आया अल्लाह तबारक व तआला पर, उसकी किताब पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी नाजिल करदा किताबों पर, रसूलों पर, यानी अपने ईमान को रिन्यू करके उसकी तजदीद करके सोना है, यही तो असल चीज है और उसी पर सारी तवज्जो सारी मेहनत है। और उसके बाद दूसरी चीज जो आपको अता की गई, 50 वक्त की नमाजें थी जो बाद में 5 कर दी गई, लेकिन सवाब को 50 रखा गया। हर नमाज का सवाब कम से कम 10 गुना है, यानी एक नमाज अदा करने के बाद अल्लाह खुसूसी फजल की बुनियाद के पर 10 नमाजों का सवाब देता है। अल्लाह के यहाँ पर ये कानून है, अल हसनतु बि अशरति अमसालिहा, के नेकी उसका कम से कम सिला 10 गुना दिया जाता है और 10 को 700 उसके आगे तक ले जाया जाता है। ये अल्लाह का कानून है जो सिर्फ उसके फजल और उसकी रहमत की बुनियाद के पर है। तीसरी चीज जो आपको अता की गई, उम्मत के हर उस शख्स की बख्शिश, उसके बड़े गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। रिवायत के अल्फाज है अलमुकहिमात, यानी बड़े बड़े गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, लेकिन किस शख्स के लिए? लिमन लम युशरिक बिल्लाहि शैया, हर उस शख्स के लिए जिसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, उसकी जात उसकी सिफात में शिर्क नहीं। तो ये तीनों चीजों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो पता लगेगा कि ईमानियात जो सूरह बकरा का अखीर का हिस्सा है, यह हमारे जबान से इकरार करना है, यानी ईमान को जबान से इजहार करना है, जाहिर करना है। नमाज जो कि तौहीद का अमली शक्ल है, उसकी प्रैक्टिकली शक्ल है, और इन दोनों चीजों का सिला है कि अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा, जन्नत अता करेगा। तौहीद का सिला जन्नत के सिवा कोई और चीज नहीं है। ये तीन चीजें आपको वहां पर अता की गई। आप पलट कर आए, पलट कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उन्होंने तफसील तलब की, बताया कि ये चीजें अल्लाह ने मुझको अता की। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान नूर का पर्दा हायल था और हम कलाम हो रहे थे, बातें हो रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि उम्मत को इतना बड़ा तोहफा अता किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब गुजरे, उन्हें तफसील बताई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करो, जाओ नमाजें कम कराओ। यहां तक के बार बार आप गए, 5 वक्त की नमाजें रह गई, उसके बाद भी हजरत मूसा कह रहे थे कम करा लो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब मुझे अपने रब से मजीद तख़फीफ़ कराते हुए शर्म आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो कहना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मशवरा दे रहे हैं और आप उनके मशवरे को मान भी रहे हैं, यानी मशवरा जहां तक बेहतर हो वहां तक एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम अंबिया से बेहतर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मकाम और रुतबे के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे हैं, यानी आपके मकाम के एतबार से जो नबी छोटा है वो आपको मशवरा दे रहा है और आप कबूल कर रहे, लेकिन जब मशवरा बेहतर नहीं था तो आपने वहां पर माजरत भी कर ली। तो मशवरे के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं, अगर मशवरा काबिल कबूल है तो आदमी शख्सियत को ना देखे, उसे कबूल कर ले, और अगर नहीं काबिल कबूल है तो शख्सियत को ना देखे, डायरेक्ट उसको रद्द कर दे, नहीं ये मुनासिब नहीं, मुझको नहीं करना है। यहां एक बात जो काबिल गौर है वो बहुत अहम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मशवरा नहीं दिया, हजरत मूसा ने दिया। ये फर्क क्या है? दोनों के दरमियान काफी फर्क है। पहली चीज तो यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत का उतना तजुर्बा नहीं था जितना हजरत मूसा को था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में एक लंबे वक्त तक थे, बनी इसराइल क्या शरारत कर रही थी, खुद अपने नबी को नहीं बख्शा और कोताहियां कितनी पाई जाती थी। अभी इधर वो तौरात लाने के लिए तूर पर गए और इधर ये गौपरस्ती के अंदर मुलविस हो गए। अभी ये फिरौन के जुल्म से निजात पाकर निकले थे कि रास्ते में एक माबूद देखा, कहने लगे कि इजल्लाना इलाहन कमालहु मालिया, हमारे लिए भी इनकी तरह एक माबूद बना दो। तो उन्हें तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, इसी बुनियाद के पर वो कह रहे थे कि अपनी उम्मत के पर तख़फीफ कराओ ताकि वो नमाज में कोताहियां ना करे। और आज हम देख रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज होने के बावजूद भी कितनी कोताहियां है, 50 होती तो क्या करते, ये बहुत अफसोसनाक बात है। दूसरी बात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत नर्म दिल थे, इन इब्राहिम लहलीम मुनीब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े बुर्दोबार, बुर्दोबार का मतलब जो कहा जा रहा है चुपचाप मान लेना। और ये चीज आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बी बच्चों को बेआब हो गया मैदान में छोड़ा, चुपचाप मान लिया, व
वहां कोई सवाल नहीं किया, अल्लाह का हुक्म है, चुपचाप गर्दन झुका दी। यहां तक के अपने बेटे को जबा करने का हुक्म हुआ, वहां पर भी चुपचाप गर्दन झुका दी। यही है हलीम, बुर्दबार हुक्म जो है सर तस्लीम खम का दिया जाए। लअवाहुम मुनीब, बहुत दर्द मंद दिल रखने वाले और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। तो वो चाह रहे थे कि इबादत जो कि हमारी जिंदगी का मकसद है, ज्यादा से ज्यादा उम्मत मुहम्मदिया इबादत में लगी रहे, ताकि फजूल कामों के अंदर वो अपना वक्त जाया ना करे, इबादत की तरफ लगी रहेगी। यही मकसद हयात, यही मकसद जिंदगी है, तो उनकी दुनिया और आखरत दोनों कामयाब होगी। और हजरत इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम तजुर्बे की बुनियाद पर वो बातें कह रहे थे, ये फर्क था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अगर कोई ये अकीदा नहीं रखता तो वो मुसलमान नहीं है, याद रखिएगा। अकीदा क्या है? अल जन्नतु वन्नारु हक्कुन, जन्नत और जहन्नम हक है, मौजूद है, अल्लाह की मखलूक है। कोई अगर ये कहता है कि जन्नत और जहन्नम सिर्फ ये लोगों को डराने उम्मीद दिलाने की बातें हैं, जैसा कि सूफिया कहते हैं, नहीं, ये मौजूद है। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। कहा कि जन्नत इतनी हसीन है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के बाद नहीं बयान कर सकते, जबकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबान के पर महारत अता की थी। उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं, मैं जन्नत की तफसीर नहीं बयान कर सकता, उसके हुस्न को, खूबसूरती को नहीं बयान कर सकता। और उसके बाद जहन्नम, कहा कि उससे ज्यादा हवलनाक और खतरनाक मंजर मैंने नहीं देखा। वहां कैसे सजाएं दी जाएगी वो आपको बताया गया। आपने कहा कि जो चीज मैंने देखी है अगर तुम देख लोगे तो बिस्तरों के पर अपनी बीवियों के साथ लुत्फानंदोज होना छोड़ दोगे, तुम रोगे ज्यादा, हंसोगे बहुत कम। जहन्नम का जो मंजर कुरान मजीद सिर्फ बयान करता है, आग का तकिया, आग का बिस्तर होगा, आग का, आग की चादर होगी, खाने के लिए तुअर का दरख्त होगा, पीने के लिए इंतहाई खोलता हुआ पानी जो हमारी आंतड़ियों को काट देगा। कहीं पर यह बयान किया गया कि वो सारे जहन्नमियों से रिसने के बाद जो गंदगी, गिलासत जहन्नम की तह में जमा होगी वो पीने के लिए दी जाएगी। इंसान सिर्फ सोच लेता है तो रोंगटे खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो सारी चीजें देखी हैं, इसीलिए कहा कि जो मैंने देखा है अगर तुम देख लोगे तो हंसोगे बहुत कम, रोगे बहुत ज्यादा, इसलिए को मंजर इतना भयानक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज कराई गई। अब जब वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, वापस आने के बाद इन सारी चीजों को बयान किया। अब ये तो मुशरिकीन मक्का के लिए एक चुटकुला मिल गया, चर्चा का विषय मिल गया, खूब चर्चा हो रही है। अरे 80 दिन आने जाने को लगते और ये कह रहे हैं कि मैं रातों रात गया और वापस भी आ गया, और इतना ही नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस से आसमान दुनिया जन्नत और जहन्नम को मैंने देखा है। खूब जगह जगह के पर मजाक की जा रही है। चुनांचे बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तक भी पहुंची। वहां पहुंचने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा था, जब उनसे कहा गया कि तुम्हारा साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहते हैं कि मैं एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर वहां से आसमान दुनिया की सैर की, सातों आसमान, जन्नत और जहन्नम, उसके बाद फिर रिटर्न आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो मेरा यकीन, मेरा ईमान है, यही ईमान और यकीन है कि जो बात कुरान और हदीस की आ जाए फिर वहां अपने अकलियात को इस्तेमाल नहीं करना है, चुपचाप सरेंडर कर देना है, चाहे हमारी अक्ल तस्लीम करे ना करे, चुपचाप मान लेना है। एक बात बहुत प्यारी है, जो लोग अपनी अक्ल को अहमियत देते हैं और शरीयत को ठुकराते हैं, शरीयत कामिल है, अल्लाह का दीन कामिल है। अल्लाह ने कहा अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और इंसान की अक्ल नाकिस है, अधूरी है। तो क्या एक कामिल चीज इसका मुकाबला नाकिस और अधूरे से किया जा सकता है? कोई नाकिस और अधूरी चीज ये किसी कामिल कंप्लीट चीज के पर एतराज कर सकती है? नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी जहालत है कि उन्हें अपनी अक्ल के मातम करने के बजाय शरीयत के पर एतराजात करते हैं। ये चीज हमको समझ में नहीं है। तो ये कहो ना कि मेरा दिमाग उसे समझ नहीं पा रहा है, उसे रद्द क्यों करते हो? अगर एक चीज नहीं समझ में आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ठुकरा दिया जाए।
आज भी आप देखिए कि हम दुनिया में बैठे किसी भी हिस्से की वीडियो अगर आप वीडियो कॉलिंग करें फौरन आपके सामने वो शख्स मौजूद हो जाएगा। लेकिन ये कैसे डायरेक्ट हो रहा है, क्या दिमाग के अंदर ये चीजें आती है? नहीं आती है, लेकिन हम मानते हैं। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी होता है हम उसे लाइव देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये हमारे दिमाग के बाहर है, फिर क्यों उसे मान लेते हैं? तो दुनिया में इतनी सारी चीजें उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तो दीन है खाली के कायनात का बनाया हुआ, इसमें अक्ल के खिलाफ कोई चीज नहीं है। हमारी अक्ल उसे तस्लीम नहीं कर रही है, समझ नहीं पा रही है, तो अपनी अक्लों का रोना रो रही है, ना कि इन चीजों के ऊपर एतराज कीजिएगा। अब आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मुशरिकीन मक्का ये लोग एतराज करने लगे, सवालात करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के काफले के बारे में भी बताया कि कौन सा ऊंट सबसे पीछे आगे आगे चल रहा था काफले के, बल्कि उस काफले के बर्तन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलकर उसका पानी पिया वो भी बताया। और जब वो काफला लौट कर आया तो बयान ही वो सारी चीजें जो आपने बताई थी उनके सामने आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मुकद्दस पेश कर दिया गया, जो जो सवाल कर रहे थे सारे जवाब आप दे रहे थे। अब बताइए कि सारी चीजें बिल्कुल नुमाया होने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी तफासिल डिटेल बता दी जो कि बैतुल मुकद्दस के अंदर पाई जाती थी, नहीं माना। ये मानना नहीं मानना ये बहुत अहम चीज होती है, जिसे ईमान और यकीन होता है मान लेता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानता है। हालांकि उनकी नजरों के सामने चांद के दो टुकड़े भी हुए उसे भी नहीं माना, यही फर्क होता है। अबू बकर सिद्दीक को सिर्फ ये बता दिया गया कि आप ऐसा बता रहे मान गए, यही एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान बहुत बड़ा फर्क होता है कि यकीन और नकीन ना करने का फर्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें बताई, उसी को यहां कुरान मजीद ने बयान किया कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अब यहां एक और अहम मामला, कुछ लोग ये इतराज करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी यानी रूह की शक्ल में सफर किया गया, अगर ये रूहानियत होती तो ये कहां काबिल एतराज था? मुशरिकीन मक्का ने एतराज इसलिए किया कि आपको जिस्मानी तौर पर ऐसा किया गया, एक शख्स ख्वाब में क्या नहीं देख सकता, वो तो ख्वाब में अमेरिका पहुंच जाता है, सऊदी अरब पहुंच जाता है, मक्का पहुंच जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है, बल्कि ख्वाब एक ऐसी दुनिया है कि हम मरे हुए शख्स से भी मुलाकात कर लेते हैं, जबकि आम हालात में मुमकिन ही नहीं है, बल्कि मुलाकात करते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होता है, ख्वाब एक ऐसी दुनिया है। तो अगर ये ख्वाब की बात होती तो कहां काबिल एतराज था? काबिल एतराज इस बुनियाद के पर है कि ये जिस्मानी हालत में हुआ, बेदारी की हालत में हुआ, इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि बेआबदी ही अपने बंदे को, यहां रूह को नहीं कहा गया कि उसकी रूह को, बल्कि बंदे को जो जिस्म और रूह का मजमुआ होता है, तो ये एतराज फजूल है। अगर ये रूहानी सफर होता तो मुशरिकीन एतराज ही नहीं करते। तो लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, कुरान कह रहा है कि रात के एक हिस्से में, पूरी रात नहीं लगी बल्कि रात का एक हिस्सा लगा, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें बिखेर दी है। ये फलस्तीन मुल्क शाम का इलाका है और अल्लाह ने यहां पर बरकतें उतारी है। ये इलाका सरसब्ज शादाब भी है खेती बाड़ी के एतबार से, अलावा अजी ये अंबिया का मस्कन भी है, इसलिए बरकतें नहीं होगी तो क्या होगा? जहां अंबिया रहे हैं वहां बरकतों का नुजूल होता है। अब ये क्यों सफर कराया गया? कुरान मजीद ने उसकी वजह बताई, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां बताएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मलकूत अस्समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की प्रॉपर्टीज को बताया गया कि देखिए अल्लाह की कायनात कितनी अजीम शान है। और इसी बुनियाद के पर एक नबी को जो मिशन दिया जाता है उसकी मुखालफत कोई मामूली नहीं होती है, बहुत शदीद मुखालफत होती है, और इतनी शदीद मुखालफत और प्रेशर के लिए उतना ही हिम्मत हौसला जज्बा होना चाहिए। और नबी को जब ये सारी चीजें दिखाई जाती है उसका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। अब उसके सामने कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी मुखालफतें हो, सब बेमाना हो जाता है। अगर आपको एक सच्चाई का पता है, आपने खुद उसे सुना देखा समझ गए, अब पूरी दुनिया भी अगर उसकी मुखालफत करेगी, नहीं ऐसा नहीं है, तो आप नहीं मानेंगे इसलिए कि आपने देखा है सब कुछ किया, क्यों मानेंगे? ये थोड़ी देखेंगे पूरी दुनिया उसका इनकार कर रही है तो मैं भी इनकार कर दूं, नहीं, आप कहेंगे नहीं, सब के मुकाबले में आप खड़े हो जाएंगे।
यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया की थी। जो अल्लाह जब ये चीजें दिखा देता तो वो पहाड़ की तरह अपने अकीदे के पर जम जाते थे और कोई कितना भी कुछ बोले वो हिलते नहीं थे। इतनी सारी मुश्किलात और परेशानियां ये सब झेल जाते थे, इसलिए कि उन्हें हकीकत का इदराक हो जाता था, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती थी। ये अल्लाह बड़ा सुनने वाला और देखने वाला है। अब आगे, चूंकि मामला बनी इसराइल से रिलेटेड था, यानी क़यादत उम्मत मुहम्मदिया को दी जा रही थी और बनी इसराइल से छीनी जा रही थी, अब कुरान कह रहा है हमने मूसा को किताब दी, तौरात अता की, और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसास ना बनाना। यही बुनियादी मकसद है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। यही उलूहियत है कि अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना माना जाए। अभी कल ही मैंने खुतबे के दौरान कहा था, लोग रबीउल अव्वल के पैगाम को भूल जाते हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल, जो आपकी जिंदगी का आखिर हिस्सा था, आखिर के 5 दिन में आपने क्या क्या अहम पैगाम दिए, उस पर ही अगर हम गौर कर लेंगे तो समझ में आ जाता है कि आपकी जिंदगी का निचोड़ क्या था। आप अपनी कब्रों के ताल्लुक से दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनियुबत, अल्लाह मेरी कब्रों को मेले ठेले उर्सों की जगह मत बनाना कि लोग यहां आकर इबादतें करने लगे, सज्दे करने लगे, दुआएं मांगने लगे। और उस दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, देख लीजिए कि आपकी कब्रों को कितनी हिफाजत के साथ रखा गया है, वहां कोई शिर्क कोई बिदत आपको नहीं मिलेगा। ये नबी की दुआ की बरकत, इसलिए कि यही बुनियाद है। यहां इंसान अगर बिगड़ गया तो फिर आगे ठोकरें खाते फिरता है। अकीदा असल चीज है। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि अंबिया के पर जो भी तकालीफ जिस्मानी आए या कोई भी जाहिरी तौर पर दुनियावी मुसीबतें आए, यही तो साबित करती हैं कि ये अंबिया अल्लाह नहीं है या अल्लाह के बेटे नहीं है। ये फर्क करने वाली चीज है, इससे तौहीद साबित होती है कि अल्लाह ही अकेला माबूद है, वो माबूद है, उसके नबी नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये जो चीज लाकर बयान, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने जादू की रिवायत लाकर क्या साबित किया, तौहीद साबित की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जादू हुआ, ये तौहीद की दलील है, यानी आप अल्लाह नहीं है, माबूद नहीं है, आपके अंदर खुद मुख्तारी नहीं है, तभी तो इस तरह के अटैक आपके पर होते हैं। हजरत ईसा, हजरत मरियम दोनों के ताल्लुक से कुरान कहता है कान या कुला नित्वाम, दोनों खाना खाते थे, ये भी तौहीद की दलील है, यानी वो मोहताज है और रब मोहताज नहीं होता है। तो कुरान ये दलायल पेश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा पर लानत भेजी जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सज्दागाह बना लिया था, उसे मजारात में तब्दील कर दिया। तो जब नबी, जो अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे होते, उनकी कब्रों के सामने जाकर दुआ मांगना, सजदा करना, इबादतें करना जायज नहीं, तो दुनिया के किसी और इंसान को ये एहसास कहां मिल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिर मरहले के पर खुद को पेश किया, नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद कहा कि अगर मेरा किसी से कुछ मिल निकलता है तो ले लो, मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो अपना बदला ले ले। ये बता रहे हैं कि हुकूकुल इबाद में नबियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक सहाबी खड़े हुए कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे 3 दिरहम आपकी तरफ बाकी है, आपने फौरन फजल बिन अब्बास को कहा कि उसका कर्ज अदा कर दो। यहां लोग खा जाते हैं, डेकार भी नहीं लेते, समझते हैं आखिरत में नैया पार होगी। जब नबी को इस मामले के अंदर नहीं बख्शा जाएगा तो आम उम्मती की बिसात कहां रह जाती है। आज जो फजीलतें लोगों को बयान की जाती है ना, इन फजीलतों के नाम पर भी गुमराह किया जाता है। अभी एक दरूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, मस्जिदों के अंदर चार्ट बनाकर लगाया भी गया है कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कोई शख्स इसको 100 मरतबा पढ़े, उसकी तादाद बताई जाती है, कोई कहता है 1000, जो भी होगी तादाद, इतना पढ़ने के बाद 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अब बताइए लोग इससे क्या मतलब निकालेंगे, एक चीज जो साबित ही नहीं है बात खत्म कर दीजिए, क्या नतीजा निकलेगा, मेरे 80 साल के गुनाह बख्श दिए गए, मैं कुछ भी करूं, झूठ बोलूं, लोगों के माल नाजायज तरीके से खा जाऊं, जुल्म करूं, कुछ भी करूं, जब मेरे गुनाह माफ हो चुके, ये दिलेरी है। आज बहुत सारे लोग चिल्ले लगाने के बाद, जमातों में जाने के बाद अपने भाई का हक नहीं देते, अपने भाई के हक के पर गासिबाना कब्जा करके बैठे हुए हैं, नहीं देते। यही दरअसल उन लोगों की गुमराही की वजह है, समझते हैं कि ये हमारी मगफिरत का जरिया है। पहली चीज तो वो साबित ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई फजीलत आप बयान करते हैं, जैसा कि आपने रोजों की फजीलत बयान की, लैलतुल कद्र की फजीलत बयान की, गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बी, के ये
سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، تو یہ صغیرہ گناہوں کے تعلق سے ہے، اور علامہ عزی یہ حقوق لباس سے متعلق نہیں ہے، اللہ کے تئیں جو ہماری نافرمانیاں کوتاہی ہیں ان کے تعلق سے، بندوں کے تعلق سے اگر کوئی خطا غلطی ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنا ہوگا، اس کا کچھ لیا ہے اس کو لوٹانا ہوگا، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی، یہ آپ نے واضح کر دیا، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے قرآن مجید نے ایک بہت اہم بات بیان کی، کہا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 40 مسلمان کشتی میں سوار تھے، یعنی کشتی میں جتنے لوگ تھے سب کی اولاد ہے۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، اور مفسرین نے اس ضمن میں لکھا، لیکن شیخ عبد الرحمن قیلانی نے اس کی بہت اچھی تفسیر بیان کی، جیسا کہ اس میں واضح ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ سوار تھے کشتی میں ان سارے لوگوں کی نسلیں چلی، 40 مسلمان تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافث، ان تینوں کی اولاد پوری دنیا میں ہے، نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی جو مسلمان تھے سب کی نسل ہے، صرف ان دونوں کی نہیں تینوں کی۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ بھی کشتی میں موجود تھے ان سارے لوگوں کی نسلوں دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ قرآن نے یہاں پر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد سارے اولاد آدم ختم ہو چکے تھے، دنیا میں انسانوں کی نسل موجود نہیں تھی، وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ایسے ہی اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو قیادت دے کر ایک دور مکمل کیا، اب یہ قیادت مکمل طریقے سے ختم ہوگی، اب یہاں سے نئی قیادت کا آغاز ہوگا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والوں سے نئی نسل کا آغاز ہوا تھا، یہاں سے نئی قیادت کا آغاز ہوگا۔ آگے قرآن نے کیوں انہیں ڈیزول کیا گیا، بنی اسرائیل سے قیادت کیوں چھینی گئی، اس کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کے پر اسی طرح ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے جیسا کہ ہمیں اس کے پر ایمان رکھنے کا حق ہوتا ہے، ہمیں ابو بکر صدیق کی طرح ایمان اور انہی کی طرح یقین رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔